और अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने पहले बटेंगे तो कटेंगे वाला जब नारा दिया, तब यहां पर सियासी तूफान देखने को मिला था और अब उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस बता दिया है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अपराधी नहीं, कोई ऐसा माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का सागिर्द न हो। फूलपुर की चुनावी जनसभा से दिया मुख्यमंत्री योगी का ये बयान यूपी सियासी तपिश बढ़ाने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर अपने तल्ख अंदाज में समाजवादी पार्टी, उसकी सोच और समझ पर निशाना साधा है और अतीक मुख्तार जैसे माफियाओं का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। गाजीपुर में श्री कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, प्रयागराज का अतीक अहमद राव, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी राव, अंबेडकर नगर का खान मुबारक राव, ये सभी के सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपस्थिति। इससे पहले सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार किया था और समाजवादी पार्टी को अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस और अखिलेश यादव को उसका सीईओ बता दिया था। समाजवादी पार्टी का मतलब प्रोडक्शन हाउस है, ये माफिया और अपराधियों का, हर दुर्दांत माफिया और अपराधी यहां से पैदा होते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, पनपते हैं। सीएम योगी फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार दीपक पटेल के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनका पूरा फोकस ठाकुर वोटर पर था, क्योंकि हनुमान नगर के जिस तिलक इंटर कॉलेज में सीएम योगी की सभा हो रही थी वो पूरा इलाका ठाकुर बाहुल्य है और बड़ी बात यह है कि बीएसपी ने हनुमान नगर इलाके के ही रहने वाले जितेंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में ठाकुर वोट न बटे इसके लिए बीजेपी ने योगी की सभा के लिए इस इलाके को चुना, लेकिन योगी का ध्यान बीएसपी नहीं समाजवादी पार्टी था। बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो जन्नत में तो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जहन्नुम जरूर पहुंचाने का काम कर देंगे। बता दें फूलपुर विधानसभा सीट 2022 में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2024 में प्रवीण पटेल के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई। ऐसे में बीजेपी हर हाल में अपनी बादशाहत इस सीट पर बरकरार रखना चाहती है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत लगा रखी है। वो कहावत है ना, तू डाल डाल मैं पात पात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस कहा तो अब शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी का मतलब प्रोडक्शन हाउस है, ये माफिया और अपराधियों का, हर दुर्दांत माफिया और अपराधी यहां से पैदा होते हैं। ऐसा तो कभी किसी ने बोला नहीं जो उत्तर प्रदेश में बोला जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जिसने भी अपराध किया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी करी है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव का ये बयान सीएम योगी के उस बयान पर पलटवार था, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस और अखिलेश यादव को उसका सीईओ बताया था। लेकिन जब शिवपाल यादव कानपुर की सीसा मऊ सीट पर नसीम सोलंकी के लिए प्रचार करने पहुंचे तो योगी पर पलटवार से खुद को नहीं रोक पाए। बाबाओं का भेष बदल करके अगर इस तरीके से बात करते हैं तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है, झूठे आरोप लगा करके मुख्यमंत्री। राजनीति कांटों भरी होती है, लेकिन यूपी की सियासत तल्ख बयानों से भरी है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जो एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। दरअसल ये पूरी जंग यूपी की 9 सीटों को लेकर है, जिसको लेकर योगी और अखिलेश के बीच सियासी क्लेश जारी है, लेकिन अब इस लड़ाई में चाचा भी कूद पड़े हैं। एक तरफ बयानों की तल्खी है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर की भी खूब चर्चा है। अब गोरखपुर में कांग्रेस के लगाए पोस्टरों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद यूपी में पोस्टर पर महाभारत छिड़ी हुई है। हर दिन यूपी के सियासी गलियारों में एक नया पोस्टर रिलीज हो रहा है और अब मुख्यमंत्री योगी का गृह जनपद गोरखपुर पोस्ट वॉर का केंद्र बना हुआ है। यहाँ कांग्रेस के छात्र इकाई ने ये पोस्टर लगाया है, जिस पर न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे के नारे के साथ एक रहने का संदेश दिया गया है। पोस्टर में सबसे नीचे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं स्लोगन लिखा गया है। इस समय पोस्टर वार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह इस बार भी उलझुल बयान देकर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बोला गया बटेंगे तो कटेंगे। मैं कड़े शब्दों में उनके बयानबाजी का विरोध करता हूं, जिसके सापेक्ष हमने गोरखपुर के महानगर में चौराहों पर होर्डिंग लगवाया है। गोरखपुर का ये शास्त्री चौक है और यहाँ पर आप देख लीजिए न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। और इसके नीचे राहुल गांधी ने जो कहा था युवाओं से, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं। गोरखपुर का विश्वविद्यालय चौराहा, छात्र संघ चौराहा, रामगढ़ ताल, नौकायन रोड और मोहद्दीपुर तक का इलाका इन पोस्टरों से पटा पड़ा है। बता दें कि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन बीच बीच में कांग्रेस भी अपना ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस के ये पोस्टर उपचुनाव में असरदार साबित होंगे? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।